मतलब कोई जानवर ही पकड़ा था। हाँ, हिया सब दांत वात हमरे भैया के हिया सब बने रहा है, तनिको चिल्लाए ना है पहनी है। और ये अपने बच्चे को लेकर इसी खाट पर रात में लेटी हुई थी, और इस दरमियान भेड़िया आता है और इसी खाट से भेड़िया बच्चे को लेकर चला जाता है। हमारे भैया पहले बहराइच जिले में इस वक्त एक मामला बड़ी तेजी से सनसनीखेज वारदात जो है वो वायरल हो रहा है। मामला यह है कि गांव में किसी भी आसपास गांव में भेड़िया आता है और बच्चों को बुजुर्गों को उठा के लेकर चला जाता है, ऐसी खबरें लगातार चल रही हैं। मैं आज बहराइच आया हूं, बहराइच के उस गांव में आया हूं, और अभी जब मैं इस गांव में पहुंचा और मैं खड़ा ही था कि तब तक ये एक तरफ मैं खड़ा था और दूसरी तरफ गाँव में तेजी से शोर होने लगा, हल्ला होने लगा, लोग गुहार लगाने लगे और फिर लोगों में चर्चा हो गई कि आ गया आ गया आ गया। लोगों ने पूछा क्या आ गया, तो कह रहे कि भेड़िया आ गया। फिर तमाम हाथ में देख सकते हैं लाठी डंडे लेकर ही रोज रात में पहरा दे रहे हैं, छतों के ऊपर जिनके भी छत है वहां गए हैं। और लोग अभी मैं जिस गांव में खड़ा हूं और जिस घर खड़ा हूं, आज इस घर पर एक घटना हुई है। यहां से एक बच्चे को भेड़िया उठाकर लेकर चला गया है, और जिसके बाद से हालांकि प्रशासन लगातार गांव में चहलकदमी मचाए हुए है, लगातार प्रशासन के लोग आ रहे हैं। लेकिन मैं उस घर के लोगों से बात करता हूँ। ये बताइए आप इस गाँव के? हाँ हम, हाँ भाई ये एक है। अच्छा, दादी, दादी, दादी। हमारे पता है, होता है। हाँ, सुबह एक कब घटना कैसे हुई? घटना पहुड़ी रहे, और एक बल वो देखने वाला लौंडा पहुड़ा रहा है, और उतरे वाल छोड़कावा रहा है, बीचा में है मार रहा है उसकी। और वह बजे के आसपास में हुआ है। उत्तर मुक्का वह घूम ही गए, और वो पाछे रहेगा, और पीछे से उगा है उठाए लिए से, और चला गया है, जान कोई ना है पैसे, कोई ना जान पैसे। जब वो जागी है तो पीछे हाथ लगाए, उनके बगल में कौन था? मम्मी कहाँ है उनकी? जब मम्मी जागी, मम्मी जब जागी तो पीछे हाथ लगाइन, तो कहन के वो महक के पापा आयान से आए हैं, तो ये कहीं ना है, कहन पापा आयान से आए हैं, कहीं नहीं आए। बहु वचन में है जगता होगा, सबको ढूंढे लगे, दौड़त गेन हुआ डोल तिरका। हम कहा सही तो स्वामत रहा हो कि मैंने सही तो गवा हो जा कर हुआ गए, हुआ ना मिला, सबको ढूंढे हैं, रात भर ढूंढे हैं, बच्चा नहीं मिला, बच्चा नहीं मिला। ऐसा मानते कि जो बच्चा जिसको खींच कर ले गया था वो जानवर ही ले गया? हाँ, जानवर लेगा, जानवर लेगा, जानवर लेगा है। आप आपके घर घटना हुई? हाँ, आपका जैसे हम सवेरे हम आए, हम की दादी हम हूँ, जैसे हमारे भाई आए तो सवेरे आए ना, बल्ले का भेड़िया लेगा भैया। हाँ, ये गोड़। हाँ, जरा आप आगे आ जाइए। जी, अब ये बताओ, ये आप उनकी माँ है जो बच्चा था? हाँ, आपके बगल बच्चे लेटर। हाँ, ऐसे छुटकाओ भैया लेटर रहा है, ऐसे भैया माँ लेटर रहा है। हम ऐसे दूध प्याले होते हुए ताल में देखे भैया हमार ना आए हैं, कुछ नहीं कहाँ चले गए। तो कुछ आवाज नहीं हुई बच्चे की? कंगन वंगन पहरे रहा था, नहीं कौन आए बात जैसे गिड़िया आए लेगा। थोड़े बाबा पढ़ा रहा है, अब हम उधर पढ़ रहे हैं। सुबह कब कहाँ मिले आप लोग? सब ढूंढे लागे, सब पुलिस उलिस आए, सब तो हुआ मिला भैया हमारे यहाँ से उठाई हुआ लेके गवा धरे से। हमने देखा उसको, हम गए लग रहा कि केवल मतलब कोई जानवर ही पकड़ा था। हाँ, यहाँ सब दांत वात हमरे भैया के यहाँ सब बने रहा है, तनिको चिल्लाए ना है पहनी है, पैर के अत्ता यू रहा है, और ये पांजर वांजर सब जो पांजर खाली से पांजर खाली से कूल खाली कैसे परे है। आपका ही बच्चा है? हमारे भैया आए देखो बने लोने पहले हमारे बच्चे। मैं बहराइच के उस गांव में हूँ जहाँ पर लगातार भेड़ियों का आतंक है, हालांकि प्रशासन लगातार हरकत में है, भेड़ियों को कब्जे में करने की कोशिश कर रही है। मैं इस घर पे आया हूँ, और जरा मुझे दिखाइए कि कहाँ वो बच्चा लेटा था, जरा ये दिखाइए। तब यहाँ ये यही घर है? ठीक है, अच्छा, हाँ, अच्छा, हाँ, ठीक है, यहाँ पर ठीक, हाँ, बड़ा था इधर, उनकी मम्मी थी बीच में, मम्मी बीच में थी, बीच में थी, इधर छोटा था इधर बड़ा था।
हमार भैया ना है, पापा से पूछ लगे भैया कहाँ गए। इसमें जैसे हमारी सभी की आंख लग गई, उसी के बीच में आया, हमको सबको मालूम भी नहीं। आपके आप बीच में थी तो बिल्कुल आपको पता भी एकदम नहीं चला। नहीं कौन आए पता चला। इतने भैया हम पड़े इतने हम पड़े ना ऐसे घूम गए भैया हम आपके जगह पड़े रहे तनिको गोड़ ओड़ ना जानती नहीं थी। ये बच्चे को दूध पिताते पिताते सो गई, बच्चा भी सो रहा था, बच्चा का गला दाब के लहे चले गए। तब वो कैसे चिल्लाए कैसे भटके, जब घिड़ियावत लेके गए तो लाइन बनी है, खून पड़ा है, सब चीज जानवर के अलावा कोई नहीं। सब जानवर के अलावा कोई नहीं है। जानवर हाँ जानवर के अलावा कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं मैं इस घर में हूँ, ये माँ है और ये अपने बच्चे को लेकर इसी खाट पर रात में लेटी हुई थी और इस दरमियान भेड़िया आता है और इसी खाट से भेड़िया बच्चे को लेकर चला जाता है। माँ बीच में थी, दूसरी तरफ दूसरा बेटा था और इनको भनक तक नहीं लगती है। और सुबह तकरीबन 5 बजे बच्चे का छत बिछत स्थिति में शव मिलता है और इसके बाद से अब हालांकि आप देख सकते हैं हाथों में लोगों के लाठी डंडे हैं, लोगों के आंखों में दहशत देखी जा सकती है। जिस तरीके से पूरे गाँव में दहशत का माहौल है, लोग हाथों में लाठी डंडा लेकर देख सकते हैं, अम्मा जो है लाठी डंडा लेकर लोग खड़े हैं और अपने अपने घर की रखवाली में लगे हुए हैं। जिनके पास छत है लोग छत पर गए हैं। हालांकि लगातार प्रशासन इस मामले को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है, लगातार भेड़ियों को कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक बहुत विशेष सफलता नहीं मिल पाई है। कभी इस गाँव में, कभी दूसरे गाँव में, कभी तीसरे गाँव में घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। प्रशासन लगातार लोगों को चेतावनी दे रहा है। अभी जब मैं आया तो इस गांव में मजिस्ट्रेट भी आए थे और उन्होंने लोगों को सख्त हिदायत दी कि आप दरवाज़ा बंद कर लें, दरवाज़ा बंद करके अंदर रहें। और आप देखेंगे कि ये माँ है, लाचार बेबस माँ, जिसके बच्चे को कल भेड़िए ने निवाला बना लिया है। मैं आज पूरी रात इस गांव में रहूंगा, इस इलाके में रहूंगा, मैं बहराइच जिले में रहूंगा और पूरे मामले को ग्राउंड जीरो से देर रात तक मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि आखिर इस पूरे मामले में अभी तक सच्चाई क्या है, प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है।